देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। महितपुर के मोचीखेड़ा रोड पर बकरी चराने गए रामचंद्र प्रताप मंगल जी के अंधे कत्ल का महितपुर पुलिस ने एक दिन में ही खुलासा कर दिया। असल में पूरा घटनाक्रम 15 नवंबर का रामचंद्र बकरियां चराने पिलाया खाल पर जाया करता था। घटना वाले दिन भी वो उस रात इस बात से अनजान था कि उसका इंतजार उसकी मौत कर रही है। बकरियां चराने गया, वहीं घात लगाकर बैठे उसी के पुत्र बद्रीलाल ने रामचंद्र पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसको झाड़ियों पे फेंक दिया। वहीं जब महितपुर पुलिस को इसकी सूचना मिली तो थाना प्रभारी दिनेश वर्मा तुरंत अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और सघन जांच करने के बाद उसके पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके पुत्र ने अपना गुनाह कबूल किया। हमारे यहाँ की जो पुलिस है, थाना की पुलिस है, बहुत एक्टिव है और बहुत मेहनत से काम करते हैं सभी लोग। और जो हमारे जो सूचनाकर्ता है उनको सूचना प्राप्त होती है और जो पुलिस भी स्वयं काम करती है, इसीलिए यहाँ पे हत्याकांड या जो भी घटनाएं होती है उसका तत्काल निराकरण होता है, खुलासा होता है। कितने आरोपी थे इसमें और किसने किसकी हत्या करी, जैसे कि रिश्ते की बात आई थी? इसमें एक आरोपी है, मृतक है रामचंद्र। कल सूचना प्राप्त हुई थी सुबह कि मृतक रामचंद्र की लाश पीलिया खाल के पास पड़ी थी, जो बेजाली में रहता है, बरगंगा समाज का है। तो थाना प्रभारी गुजर साहब, सॉरी वर्मा साहब ने वहाँ जाके तस्दीक की, लाश को देखा तो प्रथम देखते लाश को देखते हुए लगा कि इसकी हत्या करके इसको साक्षी छुपाने के लिए इसमें यहाँ डाला गया है। उसके सिर पर भी चोट थी, गले में मफलर भी बंधा हुआ था। एक और चीज की इसमें जो बताया गया कि काफी नजदीक का रिश्ता था, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं वार से एक आदमी की जान चली गई, क्या रिश्ता था दोनों में? इसको मृतक को मारने वाला इसका पुत्री था बद्रीलाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जुबैर खान, महितपुर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।